The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. अगेन नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली डायबिटीज का, डायबिटीज इन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स। यंग एज में अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जिंदगी भर हो सकता है उनको दवाइयों पे रहना पड़े, इंसुलिन की जरूरत पड़े, या हर रोज आपको सुई टोचा टोचा के शुगर चेक करना पड़े। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ एडजस्टिंग योर मेडिसिन, दवाइयाँ एडजस्ट करते रहना। ज़्यादातर ऐसे केसेस में जो होती हैं बच्चों में, दैट इज़ टाइप वन डायबिटीज़। टाइप टू डायबिटीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा मोटा है, बहुत ही ज़्यादा खा पी रहा है, खासकर टीन एज ग्रुप में। टीन एज में इंसुलिन रेजिस्टेंस इज स्टिल पॉसिबल, बट यस, उसके चांसेस बहुत ही कम हैं, लेकिन पॉसिबल हैं। जहां तक बात करेंगे टाइप वन डायबिटीज की बच्चों में, तो टाइप वन डायबिटीज आपका ये बच्चा उस समय इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, उसके शरीर में जितना इंसुलिन चाहिए उतना नहीं बन रहा है। ये बेसिक होता है टाइप वन डायबिटीज का। इंसुलिन आपके शरीर में चाहिए, आपके आपके सर्वाइवल के लिए चाहिए, आपके शुगर लेवल को आपके ब्लड से सेल्स में ले जाने के लिए चाहिए, और अगर आपका शरीर उसको नहीं बनाएगा तो आपको बाहर से रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, जो कि टाइप वन डायबिटीज़ बच्चों में दिया जाता है। और इसको मेडिकल लैंग्वेज में जुवेनाइल डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहा जाता है। इसके डायग्नोसिस के लिए अगेन याद रखिए, शुरुआती फेज़ में बहुत डिफ़िकल्ट होता है लाइफ एडजस्ट करना, बच्चे की डाइट एडजस्ट करना, बच्चे की दवाई एडजस्ट करना, और एकदम से आप जो हैं इंजेक्शंस पे, आपके कार्बोहाइड्रेट पे, शुगर लेवल्स चेक करने पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और टेक्निकली इसका कोई क्योर भी नहीं है। सो ये बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली एकदम से जब डायग्नोसिस होता है तो ओवरवेलमिंग हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे लाइफ एडजस्ट हो जाती है। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वंस यू लर्न टू लिव विथ इट, यू लर्न, दैट्स व्हाट वी विल टीच यू, कि इसके साइन क्या है, इसके शुगर मैनेजमेंट आप इम्प्रूव कैसे करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव करें। सिम्टम्स में सबसे पहले याद रखिए, इसमें होगा क्या, बच्चा जो खाना खाएगा, एक्स्ट्रा शुगरी चीज़ कोई खाता है तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाइप हो जाने पर इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता, देन व्हाट हैपेंस, शुगर आपके ब्लड में ही घूम रही है। जब शुगर ब्लड में ज़्यादा होती जाएगी तो ब्लड जो है वो मीठा, यानी कि उसका जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाती है। जब भी शरीर के किसी भी तरीके से या तो नमक ज़्यादा हो जाए, शक्कर ज़्यादा हो जाए, तो शरीर क्या करता है, उसे पेशाब के थ्रू निकालने की कोशिश करता है। 180 का लेवल जब क्रॉस हो जाता है ब्लड शुगर का, इट स्टार्ट्स सिक्रीटिंग शुगर इन एक्सक्रीटिंग शुगर इन द यूरिन। सो क्या होता है, पानी निकल भी रहा है तो प्यास भी लगती है, तो यू हैव फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, राइट। उसके साथ बच्चा है तो बेड वेटिंग भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, मतलब टॉयलेट ट्रेन्ड चाइल्ड है जिसको ऑलरेडी ट्रेनिंग करी आपने मेहनत करके, और अब वापस बेड वेटिंग शुरू हो गया है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, प्लस पेशाब ज़्यादा आएगा, साथ पानी प्यास ज़्यादा लगेगी, और क्योंकि शुगर सारी ब्लड में ही घूम रही है, सेल्स के अंदर नहीं है, तो भूख भी ज़्यादा लगेगी, बच्चा भूखा भी रहेगा, खाओ और खाओ और खाओ, शुगर और बढ़ती जाएगी। और बिकॉज शुगर जो है ब्लड में घूम रही है, सेल्स में नहीं जा रही, जहाँ इस्तेमाल होगी सेल्स में जाती है, सेल के अंदर फिर वो एनर्जी के लिए या ज़्यादा हो जाए तो फैट बनने के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ जा ही नहीं रही तो सेल्स क्या इस्तेमाल करेंगे, जो फैट पड़ा हुआ है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो अनइंटेंशनल वेट लॉस, ज़्यादा खा रहा है फिर भी वेट लॉस, शरीर के सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही, तो फटीग, इरिटेबिलिटी, और यूरिन में फिर क्या होगा, जब फैट इस्तेमाल होगा तो कीटोन्स बनेंगे, कीटोन्स
बनते हैं तो यूरिन में भी फ्रूटी स्मेल आते हैं, द कीटोन्स आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ऑल्सो. सो यूरिन कीटोन्स मिलेंगे, यूरिन में शुगर मिलेगा, एक्सट्रीम हंगर, थर्स्ट, एक्सट्रीम यूरिनेशन, फटीग, इरिटेबिलिटी. अगर ये सिम्टम किसी को है तो उसका शुगर लेवल टेस्ट होना चाहिए, उसको डायबिटीज होने के चांसेस है, बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान. अगेन, इसका रीजन क्या है? क्योंकि शरीर इंसुलिन नहीं बना पा रहा. कई बार ये कारण होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स होते हैं, जिसको आइसोलेट सेल्स कहते हैं पैनक्रियाज में, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं बिकॉज ऑफ योर इम्यून सिस्टम. ज़्यादातर केसेस में आप ही का इम्यून सिस्टम आप ही के हेल्दी सेल्स को डैमेज कर रहा है बिकॉज ऑफ या द जेनेटिक रीजंस. आपके जीन्स ही ऐसे हैं जिसमें आपके फादर को या उनके फादर को किसी को टाइप 1 डायबिटीज था तो आपको भी हो रहा है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स वहाँ पर भी रोल प्ले करते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, मैदा, ऐसी चीज़ों का रोल है. इसको इसलिए कम करना चाहिए. ऑल्दो दे आर नॉट द सोल रीजन बट दे हैव अ रोल. अगेन, और अगर आपके आइसोलेट सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जितने ज़्यादा डिस्ट्रॉय उतना कम इंसुलिन आपका बन पाएगा, तो आपको इंसुलिन नहीं मिलेगा, ये सारे सिम्टम आएंगे, डायबिटीज होता जाएगा. तो रिस्क फैक्टर क्या हुआ? फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, आपका एक वायरसेस भी होते हैं कुछ तरीके के जो ऐसे ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शंस को ट्रिगर करते हैं, और कुछ रेसेस में कुछ रेसेस होती हैं जिनमें ये कॉमन होता है, ऑल्दो उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर इसको नहीं ठीक करा, इसको नहीं मैनेज करा, शुगर बहुत हाई रही, भूखी रहे, वजन कम होगा, फटीग होगा, वो तो सिम्टम ही आ गया. इसके अलावा क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस हाई शुगर, कंटिन्यूस हाई शुगर इन द ब्लड, आपके हार्ट को, आपके ब्लड वेसल्स को, आपके नसों को, इलेक्ट्रिकल नसों को, किडनी को, आँखों को, हड्डियों को, सबको डैमेज होगा. सो हार्ट में डायबिटीज हार्ट के अंदर खून की नसों को नैरो कर देता है, सख्त कर देता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है. हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे उम्र के साथ, डबल, ट्रिपल, चौपल, 10 गुना बढ़ता जाएगा, आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक. इलेक्ट्रिकल नसें डैमेज होंगी, खून की नसें डैमेज होंगी, खून की नसें पूरे शरीर की सुकड़ेंगी, पतली होंगी, इलास्टिसिटी कम होगी, कंप्लायंस कम होगा, हाथ पैरों में दर्द होगा, आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो सकता है, सुनपना आ सकता है, डायबिटिक फुट हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है. नर्व डैमेज होगा मतलब आपको सुनपना आएगा, महसूस नहीं होगा कब चोट लग गई, कब दिक्कत हो गई, चोट पे चोट, चोट पे चोट, घाव, अल्सर, डायबिटिक फुट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. यही शुगर ज़्यादा किडनी से निकल रही है, चिपचिपाहट किडनी के अंदर, बहुत छोटी छोटी खून की नसें भी दब रही है वहाँ, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी है, खून की प्रॉब्लम भी है, शुगर भी है, और उस पर वर्कलोड भी ज़्यादा है, तो किडनी डैमेज होना शुरू हो जाता है. यही सारी चीज़ फिर आई में सोच लीजिए, खून का सप्लाई भी कम और दिक्कत कम, तो विजन लॉस भी होना शुरू हो जाता है. और यही सारी चीज़ जो है बोन के अंदर भी होती है, और बोन मिनरल डेंसिटी कम होती जाती है बच्चे में, बुढ़ापे के जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं. तो इतने खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हैं इस बीमारी के अगर सही वक्त पे इसको डायग्नोस करके मैनेज ना किया गया. तो क्या करेंगे आप? प्रिवेंशन कर सकते हैं. देर इज नो वे टू प्रिवेंट टाइप 1 डायबिटीज, देर इज नो वे टू प्रिवेंट, बट देर इज वे टू डायग्नोस इट अर्ली. अर्ली डायग्नोसिस होगा तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस मिनिमाइज किए जाएंगे. अगर आपके हाई रिस्क है, फैमिली में है, आपको लगता है ये सब आपको होने के चांसेस हैं, तो रेगुलर आपका ब्लड टेस्ट करवाइए, HbA1c टेस्ट करवाइए, देखते रहिए बच्चे को डायबिटीज तो नहीं हो रहा, बच्चे को ऐसे साइन तो नहीं आ रहे. और स्टडीज चल रही है, रिसर्च चल रहा है ऐसे कुछ एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए जो टाइप 1 डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने जाके पैनक्रियाज के आइसोलेट सेल्स को डैमेज किया. और जब वो हो जाते हैं तो होगा क्या, किस बच्चे में टाइप 1 डायबिटीज होने वाला है ये डिटेक्ट किया जा सकेगा. जेनेटिक अगर जीन के आइसोलेशन हो जाए कि कौन सी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, तो वो टेस्ट भी इसमें हेल्प करेगा. वो फ्यूचर की बात है, अभी तक इतना हुआ नहीं है डिटेल में कि क्लिनिकली इतने सारे स्टडीज अवेलेबल हो, रिसर्च चल रही है. देर इज नथिंग यू कैन डू टू प्रिवेंट इट, बट यू कैन ऑलवेज मैनेज इट. यू कैन मैनेज इट इफ यू नो वॉट दिस इज, डिजीज को समझेंगे, बीमारी को समझेंगे, तो बच्चे का एजुकेशन, माँ बाप का एजुकेशन इस चीज़ के बारे में, शुगर कंट्रोल में बहुत ज़रूरी है. कौन से खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट है, कौन सी चीज़ देंगे तो इंसुलिन लेवल को कैसे चेंज करना है, एक्सरसाइज करेंगे तब क्या होगा, क्योंकि उसमें शुगर यूज होगी. देर इज सो मच, सो मैनी थिंग्स टू लर्न.
सो ये बहुत जरूरी है डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को अपने बीमारी के बारे में समझना, अपने डॉक्टर से रेगुलर अपॉइंटमेंट लेना। अगर हम बात करें कि अगर आपको शक है कि बच्चे को आपके किसी को ये है या नहीं है, तो आप बच्चे का एक तो शुगर लेवल चेक करें। शुगर लेवल ही अगर उसका ज़्यादा है, रैंडम शुगर ही मान लो या फास्टिंग शुगर ज़्यादा है, तो आप उसके लिए डॉक्टर से बात करें। या 3 महीने का एवरेज HbA1c ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट आप कर सकते हैं। प्लस इसमें जो टेस्ट होता है वो होता है इंसुलिन लेवल्स। आप इंसुलिन लेवल्स या सी पेप्टाइड लेवल्स चेक करके देख सकते हो कि इंसुलिन बन भी रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं जो मैंने बताया एंटीबॉडीज के लिए, और यूरिन टेस्ट किया जा सकता है कीटोन्स के लिए, शुगर के लिए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, शुगर लेवल मैनेजमेंट, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। ये 5 चीज़ें करने पे आप इसको बचा सकते हैं, इसको प्रिवेंट करके आराम से मेंटेन कर सकते हैं। इंसुलिन के बारे में एक डिफरेंट वीडियो है, टाइप्स ऑफ इंसुलिन, आप जाके उसको भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट डायबिटीज इन चिल्ड्रन। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरी वन। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।